आइडिया। इस हफ्ते का आगाज हुआ है एयरटेल 5G लॉन्च से कुछ और शहरों में। मेटा ने नया सब्सक्रिप्शन मॉडल अनाउंस किया है ट्विटर की तरह ही, और रियलमी GT3 चाइना में लॉन्च होने वाला है, टाइमलाइन टिप हो गई है। ऐसे कुछ कमाल के अपडेट आपको आज के बुलेटिन में मिलने वाले हैं। मेरे साथ लास्ट तक देखिए वीडियो में, मैं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं ओकला स्पीड रिपोर्ट के बारे में। 79th पोजीशन से 10 पॉइंट ऊपर बढ़कर इंडिया अब 69th पोजीशन पर पहुंच गया है। पहले 25.92 एमबीपीएस स्पीड थी, जो कि अब बढ़कर हुई है 28.95 एमबीपीएस, और इस स्पीड की बढ़ोतरी की वजह से 10 रैंक का इजाफा भी मीडियम रेंज में देखने को मिला है। वैसे दोस्तों, ट्राई लगातार टेलीकॉम ऑपरेटर से और जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनसे कह रहा है कि वो क्वालिटी की जो सर्विसेज है उनमें इंप्रूवमेंट करें, शायद उसी की वजह से ये हमें नया इजाफा देखने को मिला है। वैसे कुछ और अगर इंप्रूवमेंट हो जाए तो शायद और भी रैंक अच्छी सुधर सकती है। अब आते हैं आज की पहली खबर पर। एयरटेल ने 5G प्लस सर्विसेज वेस्ट बंगाल के 15 और शहरों में आज लॉन्च करनी है। इन 15 को मिलाने के बाद पूरे 16 शहरों में एयरटेल 5G पहुंच चुका है। आपके शहर में जो भी बड़ा शहर हो वो लगभग सभी शामिल हो चुके हैं, जैसे कि दार्जिलिंग हो गई, जलपाईगुड़ी हो गई, इस्लामपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, ऐसे बड़े बड़े लगभग शहर इसमें शामिल कर लिए गए हैं। अप्रैल तक का वादा है कंपनियों का, लगभग बड़े शहरों में टायर 2 टायर 3 सिटीज तक भी ये अपनी सर्विसेज पहुंचा देंगे। अगली खबर है एनटीटी जापान से, जो कि इंडिया में 3 नए डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करने वाली है अकेले कोलकाता के अंदर, जिसके लिए उसने 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट भी अनाउंस कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे क्या एनटीटी का ये पहले डेटा सेंटर होंगे? नहीं, इससे पहले तकरीबन 12 से 15 डेटा सेंटर ऑलरेडी मौजूद है बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, दिल्ली में। अब इसके अलावा आपको बता दूं कि इन नए डेटा सेंटर को 12 से 18 महीने में शुरू करने की कंपनी की तैयारी है, जिससे कि 280 मेगावाट के आसपास इनकी कैपेसिटी इंप्रूव हो सकेगी। अगली खबर मेटा से है, जिसने कि रिवेन्यू के मामले में ट्विटर को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इलॉन मस्क के बाद जैसे ट्विटर ने ब्लू सब्सक्रिप्शन को अनाउंस किया था, ऐसा ही मेटा ने आज कर दिया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मार्केट में, जहां पर कि $11.99 पर मंथ में आप इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक ले सकते हैं, और इसमें 18 साल से ऊपर की उम्र होना ये एक शर्त रखी गई है। वैसे दोस्तों, ये मॉडल फिलहाल तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तक ही है, यूएस कनाडा यूरोपियन मार्केट में जल्दी लाया जाएगा, और जब वहां आता है तो इंडिया में भी आने में देर नहीं। अगली खबर है रियलमी GT3 के बारे में, जो कि इसी साल MWC बार्सिलोना 2023 में लॉन्च होने वाला है 28 फरवरी को। अब ये तो हुई इसे ग्लोबल लॉन्च, लेकिन चाइना में बताया जा रहा है कि ये 1 मार्च के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। वैसे हाल ही में कंपनी ने अपना GT Neo 5 लॉन्च किया है। अब इस फोन की बारी है, जिसमें कि 240 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट उम्मीद की जा रही है कंपनी दे सकती है। कंपनी के चाइनीज CEO ने इसके बारे में जानकारी दी है। अगली खबर है फायरबोल्ट की नई स्मार्ट वॉच ब्लिजार्ड के बारे में। स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ में 2 कलर टच में इस स्मार्ट वॉच को इंडियन मार्केट में कंपनी ने उतार दिया है। 3,499 रुपए इसके इंट्रोड्यूसिंग प्राइस है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ में SPO2 सेंसर, स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और 120 के आसपास इसमें वॉच फेसेस भी आपको मिलेंगे। हेल्थ की बात करें तो स्मार्ट एप्लीकेशन की मदद से बहुत सारी आप एक्सरसाइजेस, आउटडोर एक्सरसाइजेस और स्पोर्ट्स को ट्रैक भी कर सकेंगे। अगली खबर एक और नए लॉन्च के बारे में है। इनफिनिक्स ने इनबुक Y1 नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट में। इंटेल Core i3 प्रोसेसर के साथ में 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है। 2 मेगापिक्सल का वेबकैम कैमरा भी इसमें दिया गया है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 8GB का रैम है, 256 और 512GB की SSD 3.0 वर्जन इसमें यूज की गई है। आप जल्दी इसे इंडियन मार्केट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड परचेज कर सकेंगे। अगली खबर आ रही है हमारे इंडियन ब्रांड लावा की तरफ से। भले ही कुछ कमाल कंपनी ना कर पा रही हो, लेकिन धीरे धीरे रेंगने की कोशिश तो जरूर कर रही है। पिछले साल लॉन्च हुए युवा प्रो का अब नेक्स्ट वर्जन की बारी है, यानी कि युवा 2 प्रो, जो कि लॉन्च होने वाला है जल्दी। कुछ स्पेक्स इसके पता चले हैं प्राइस के साथ में। इस फोन के प्राइस भी उम्मीद की जा रही है तकरीबन 8,499 या 8,999 के आसपास रह सकते हैं। 4GB की रैम, 128GB और 256GB मॉडल में 3 कलर ऑप्शन अब तक इमेजेस में सामने नजर आ रहे हैं, और आईफोन का जो कैमरा मॉड्यूल है बिल्कुल वही लुक आपको देखने को मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा और LED फ्लैश लाइट के साथ में। बाकी दोस्तों, जल्दी फोन लॉन्च होने वाला है, हम मार्केट में देख सकेंगे। और लास्ट अपडेट है Xiaomi की मिस्टीरियस स्मार्ट कार के बारे में, जिसकी इमेजेस एक स्पाइक कैम की बदौलत दुनिया के सामने आ गई है। अब कार का बारे में तो नहीं पता है, इसीलिए इसे मिस्टीरियस कहा जा रहा है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर सामने आई है कि प्योर इलेक्ट्रिक कार है और इन प्लग इसे हाइब्रिड भी
मॉडल में तब्दील किया जा सकता है। वैसे दोस्तों इसकी दूसरी जानकारी या स्पेसिफिकेशन तो सामने नहीं आया, लेकिन लुक बहुत ही कमाल का और एक्साइटेड लग रहा है। तो देखते हैं जल्दी कंपनी हो सकता है इमेजेस लीक होने के बाद इसके बारे में कुछ जानकारी सामने रखेंगी। वैसे जमाना इलेक्ट्रिक कार्स का ही है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। बाकी दोस्तों ये था आज का बुलेटिन, कैसा लगा बता सकते हैं आप नीचे कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो साथ, रखिए अपने ख्याल, जुड़े चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।